प्रभु यीशु मसीह ने जो है कभी भी होम बलियों को नहीं चढ़ाया, नहीं मांगा, क्योंकि उसकी जो देह तैयार की गई थी, उसका जो शरीर तैयार किया गया था, वो बलि के लिए तैयार किया गया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1 से लेकर 3 तक के विषय में उसके 12वें भाग के विषय में सीखा था, और हमने सीखा था कि परमेश्वर उसमें उपासना करने वालों को नापता है, कि उपासना करने वाले को नापने का क्या अर्थ है, उसके विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11:1 से लेकर 3 तक के ही विषय में सीखेंगे, उसके 13वें भाग के विषय में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:1 उसके 1 से लेकर 3 तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी कर। मंदिर के बाहर का आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदे। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मंदिर का जो आंगन था उसे नहीं नापना है। देखिए, हम पिछले संदेश में बता चुके हैं कि जो तंबू का मंदिर था या सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है, उसमें 3 पार्ट हुआ करते थे या 3 भाग हुआ करते थे। अगर हम आंगन से लें तो आंगन होता था, फिर होता था पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान, जो है ये 3 भाग होते थे। अब यहां पर आंगन की बात हो रही है कि आंगन को मत नापना। कहने का मतलब क्या है कि आंगन को नहीं नापने का अर्थ क्या है कि उसकी जो सेवकाई है, उसकी जो उपासना है, वो वहीं तक सीमित है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको बढ़ाना नहीं है या उसको निर्धारित नहीं करना है, मत नाप। वो क्या कर रहे हैं, वो उस उपासना के द्वारा, उस आराधना के द्वारा जो आंगन में की जा रही है, उसके आंगन को रौंद रहे हैं। और ये रौंदने का काम जो है ये 42 महीने तक है। हम एक एक करके इन चीजों को सीखेंगे, सभी चीजों को अगर इकट्ठा सीख जाएंगे तो बहुत सी चीजें जो है कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 11:1-3 पद जो हैं, इनके भाग जो हैं बहुत है, क्योंकि इनके अंदर बहुत भेद की बातें जो है वो छुपी हुई हैं। अब इन्हीं पदों को ले लीजिए, इन पद में बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि हम आंगन के अंदर क्या चीजें होती थी। 2 चीजें मुख्य रूप से होती थी। जो आंगन का मुख्य द्वार था उसके पास में जो थी होम बलि की वेदी हुआ करती थी, और उसके बाद मिलाप वाले तंबू और जो होम बलि की वेदी है उसके बीच में हौद हुआ करता था, हौदी जिसको बोलते हैं, जिसमें पानी भरा जाता था। ये 2 चीजें जो थी ये वहां पर होती थी। आप होम बलि की वेदी के लिए आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 40 और उसका 6 पद जो है वहां पर क्या है, होम बलि की वेदी मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने रखी जाती थी और उस पर पशु बलि करके जो है वो चढ़ाए जाते थे। होम बलि की वेदी का जो बनाने की बात है, आप निर्गमन 27:1-8, निर्गमन 38:1-7 तक आप पढ़ सकते हैं। ये 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची थी, और इसके चारों कोनों पर जो थे वो सींग हुआ करते थे, इसके चारों कोनों पर। जो हम अगर इस वेदी के बलिदान के विषय में जानना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से बारीक के साथ जानना चाहते हैं तो आप इब्रानियों 10 निकाल लीजिए, उसके 1-10 तक के विषय में जो है हम सीखेंगे। वहां पर बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो वर्णन किया गया है। पहले हम पढ़ लेते हैं इब्रानियों 10 उसके 1-3 तक।
क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली रूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर के मंदिर के आंगन में जो होम बलि की वेदी हुआ करती थी उसमें जो पशु जो चढ़ाए जाते थे पाप बलि के लिए, दोष बलि के लिए, मेल बलि के लिए और बहुत सी बलि के लिए जो है वो पशु जो है वहां चढ़ाए जाते, परंतु ये जो है ये प्रतिबिंब है, ये नमूना जो है ये था। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर इनके द्वारा पाप क्षमा हो जाते तो फिर दूसरे वर्ष आने की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु इनके द्वारा जो है जो चढ़ाए जाते थे वो पाप फिर दिखाई देते थे, अगले वर्ष फिर वो आते थे और अपने पापों को याद करके उनका बलिदान यानी पशुओं का बलिदान जो है उस होम बलि की वेदी पर हुआ करता। अब यहां जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसका कारण क्या था, देखिए इब्रानियों 10 और उसके 4 पद को पढ़ रहा हूं। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। क्यों हर वर्ष चढ़ाए जाते थे भाई, जब लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, लहू के द्वारा जब पाप क्षमा हुए हैं, किसके लहू के द्वारा, इसराइलियों के पाप क्षमा हुआ करते थे पशुओं के लहू के द्वारा, परंतु परमेश्वर का वचन यह बताता है कि यह बहुत अनहोनी बात है कि बैलों और बकरों के लहू के द्वारा जो है वो पाप दूर किए जाए या शुद्ध किए जाए या पाप क्षमा किए जाए। मगर एक विधि थी जो उस समय एक परंपरा थी जो पवित्र स्थान के आंगन में हुआ करती थी। अभी इस चीज को हम होम बलि की वेदी के बारे में समझ रहे हैं, इस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। फिर इब्रानियों 10 उसका 5-7 तक पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियां और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अब यहां परमेश्वर का वचन जो है ये 7 पद में कहता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी बलिदान और भेंटों की चाहत नहीं करी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो है कभी भी होम बलियों को नहीं चढ़ाया, नहीं मांगा, क्योंकि उसकी जो देह तैयार की गई थी, उसका जो शरीर तैयार किया गया था वो बलि के लिए तैयार किया गया था, और वो इसलिए तैयार किया गया था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, उस देह के द्वारा जो है परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी करे। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा, वो कहता है ना कि मैं देख मैं आ गया हूं ताकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। क्या है परमेश्वर की इच्छा, योना 4 अध्याय उसका 34 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अपने भेजने वाले परमेश्वर के ने जो उसे भेजा है, एक देह देकर भेजा है, एक शरीर देकर भेजा है कि वो उसकी इच्छा के अनुसार चले और उसके काम को पूरा करे। अब क्या काम पूरा करना, जरा ध्यान देने की बात है, उसकी इच्छा और उसका काम क्या है। लूका 22 और 42 पद है, लूका 22 अध्याय उसके 42 पद में है कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अब ध्यान करना, वो गतसमनी बाग में है, जब वह अंतिम भोजन करके अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में गया, सारी रात उसने प्रार्थना में बिताई और लिखा वो व्याकुल हो गया और उसका पसीना मानो लहू बनकर बहने लगा। मगर परमेश्वर का वचन बताता है वो जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, मगर फिर वो प्रार्थना करता है कि
तो अभी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अब परमेश्वर ने उसको उस कटोरे को पीने के लिए भेजा था। वो कटोरा किस चीज का था? हम सबके पापों का कटोरा, हम वो दुख का कटोरा, वो पीड़ा का कटोरा, वो सताओं का कटोरा जो था, जो बड़ा भयंकर था, वो उसे पीना ही पीना था। परमेश्वर ने, परमेश्वर की इच्छा थी कि तू ही इसे पिएगा, इस दुख के कटोरे को तू पिएगा, इस पाप के कटोरे को तू पिएगा, इस सताओं के कटोरे को तू पिएगा और इस ताड़ना के कटोरे को तू ही पिएगा। परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर के इस काम को पूरा करने के लिए कि वो मानव जाति के लिए बलिदान होगा, तुझे मानव जाति के लिए बलिदान होना है परमेश्वर के इस काम को पूरा करने के लिए, उसे इस पृथ्वी पर आना पड़ा। अब यहां पर जो है होम बलि की जो वेदी है वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का वचन जो है वो बता रहा है और वो सिखा रहा है इस बात को, क्या कहता है अभी आगे हम पढ़ेंगे। जब आप इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 8 से 10 में पढ़ देता हूं, ऊपर तो वह कहता है ना तो तूने बलिदान और ना भेंट और ना होम बलियों और ना पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। फिर ये भी कहता है देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। देखिए यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है और खास तौर से 10वां पद में फिर से आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान के द्वारा जो है, जो उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना बलिदान दिया, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस काम को पूरा किया, बलिदान होने के काम को, और वो जो था वो बलिदान आंगन में रखे हुए बलिदान के समान नहीं था क्योंकि वहां पर पशुओं का बलि चढ़ाया जाता था, परंतु अब यहां पर जो बलिदान किया जा रहा है वो यीशु मसीह का बलिदान किया जा रहा है जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आया। और वो वेदी जो थी आंगन की वेदी नहीं थी बल्कि यरूशलेम के बाहर जो थी कलवरी की वेदी थी। जी हां, कलवरी पहाड़ पर जो था वो हमारे लिए वेदी बना। अब हमारे लिए वेदी का तो कार्य पूरा होना है परंतु पशुओं के बलिदान खत्म हो चुके हैं क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के बाद सारे बलिदान खत्म, सारे बलिदान रद्द हो जाते हैं क्योंकि पशुओं का बलिदान जो है अब कोई महत्व नहीं रखता है। क्योंकि महत्व जो हमारे जीवन में रखता है वो यीशु मसीह का बलिदान रखता है जो कलवरी की वेदी पर किया गया और हमारे जीवन में उसकी पवित्रता जो है वो दिखाई देनी चाहिए। और इसलिए उस वेदी पर हमें अपने आप को चढ़ाना है जो जिस वेदी पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, अब मैं नहीं रहा परंतु मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। वो क्या कहता है, मैं मसीह के साथ यानी कलवरी पर जो है वो उस कलवरी की वेदी पर जो है पौलुस कहता है कि मैं वहां पर चढ़ाया गया हूं कि मसीह मुझ में जीवित हो जाए। आज हमें भी अपने आप को चढ़ाना, मगर किस पर, जिस तरीके से यीशु मसीह कलवरी की वेदी पर क्रूस पर चढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके साथ दफन होते हैं और उसके साथ जी उठते हैं, वो नया जन्म होता है। यहाँ रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, पिछले संदेश में भी हम पढ़ चुके थे मगर इस बार भी पढ़ रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ, अब वो वेदी आंगन की वेदी नहीं है, अब हमें अपने घर के अंदर, अपने जहां पर हम उपासना करते हैं वहां पर जो है अपने आप को पवित्र करना। पवित्र कैसे करना, परमेश्वर का वचन कहता है ना, पहले योना की पत्री 1 अध्याय उसका 7वां और 9वां जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब यीशु का लहू जो हम अपने ऊपर ले चुके हैं जब हमें शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है, तो हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करे रहे यीशु के लहू के द्वारा।
और जीवित, जीवित कैसे होंगे? जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, क्योंकि जीवन कौन है? जीवन यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम जीवित होते हैं। और ये दोनों बातें परमेश्वर को भाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर यीशु के लहू का शुद्धिकरण देखता है और अपने पुत्र को हमारे अंदर देखता है, तब वो जो है परमेश्वर को वो जीवन भाता है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर बड़े हर्ष और आनंद के साथ हमारे, हम अपने आप को जब बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे बलिदान को स्वीकार करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है आंगन की के समान जो है हम बलिदान नहीं करें, क्योंकि यदि हम पाप में बने हुए हैं, यदि हम पाप करते रहते हैं तो हम उस आंगन की सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आंगन की सेवकाई में क्या था, बलिदान हर एक वर्ष किए जाते थे, क्योंकि हर एक वर्ष पाप होते थे, हर एक वर्ष वो पाप करते थे, फिर बलिदान करते थे, फिर पाप करते थे, फिर बलिदान करते थे। और यही हमारे अंदर क्रिया है कि हम प्रत्येक दिन पापों की क्षमा मांग रहे हैं, फिर बलि हम पाप कर रहे हैं, फिर पापों की क्षमा मांग रहे हैं, फिर हम पाप कर रहे हैं, फिर पापों की क्षमा मांग रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम आंगन की सेवकाई के साथ जुड़े हैं। और जब आंगन की सेवकाई के साथ जुड़े हैं तो इस पर जो है हम कितने भी मसीह क्यों ना, हम खुद अन्य जातियों में आते हैं और परमेश्वर के आंगन को रौंदने का काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, वो सेवकाई से बाहर निकले, जब एक बार पाप क्षमा हो चुके हैं फिर हम हर बार पाप करके उसे हर बार क्षमा ना मांगे। जब प्रभु ने एक बार अपना बलिदान देकर हमें क्षमा कर दिया तो हम शुद्ध और पवित्र बने रहें और परमेश्वर को समर्पित रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें।